हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताऊं कि एक्सेप्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मैंने पहले डीवी की कट ऑफ बताई थी और जो डीवी की जो मैंने कट ऑफ बताई थी वही सेम डीवी की कट ऑफ आई थी। ठीक है, उसी एनालिसिस के आधार पर मैं बताऊंगा फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि दुर्गा शक्ति की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 698 कुल टोटल पोस्ट है। ठीक है, 698 कुल टोटल पोस्ट है, लेकिन दुर्गा शक्ति में जो डिपेंड करते हैं ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स किस बच्चे के पास कितने हैं। ठीक है, और उसी दर में मैं बता रहा हूँ, ये जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी के अंदर 60 से 63 और ये 60 से 63 जो बता रहा हूँ ना मैं, ये 100 मार्क्स में से बता रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करने के बाद। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करने के बाद बता रहा हूँ, जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी के अंदर 60 से 63 नंबर बन रहे हैं उसका फाइनल के अंदर नाम आराम से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी जिस बच्चे के 53 से 57 मार्क्स बन रहे हैं, 53 से लेकर 57 मार्क्स बन रहे हैं, किसमें से, आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, जिसके 100 में से 53 से 57 नंबर बन रहे हैं, इसके बीच में जिसके नंबर बन रहे हैं उसका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आराम से आ जाएगा दुर्गा शक्ति के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, BCA की। BCA में जिस बच्चे के 57 से लेकर 60 नंबर, 57 से लेकर 60 नंबर है, किसमें से, 100 में से जिसके बन रहे हैं उसका फाइनल के अंदर नाम आराम से आ जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, BCB की जिसके 58 से 61 नंबर्स के बन रहे हैं, किसमें से, 100 में से। ठीक है, उसका फाइनल लिस्ट के अंदर आराम से नाम आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ EWS, जिस बच्चे के EWS के अंदर 59 से 62 नंबर बन रहे हैं, किसमें से, 100 में से, उसका नाम आराम से, PST के अंदर उसका नाम आराम से आ जाएगा। आगे मैं बात करूँ,